हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पेपर देखेंगे। आज के एग्जाम का जो पेपर है उसके बारे में उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो मुझे लगेगा कि नहीं, ये एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेगा जो फार्मूला बेस्ड है, तो मैं फार्मूला लिख दूंगा और आप लोग फिर से घर पे उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही, बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सिमिलर टाइप के होंगे, नोटबुक में मैंने क्लास में कराया है, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। वही क्वेश्चन नहीं होंगे लेकिन उसी टाइप के होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ एम एल माइनस वन टी माइनस टू। आई मीन क्या दिया हुआ है कि किसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन क्या दिया हुआ है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और ये दिया विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, हैज द डायमेंशन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टॉर्क। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और थर्ड जो ऑप्शन दिया है वो क्या दिया हुआ है, विस्कोसिटी। ये सब बताया हुआ है। और डी जो है वो क्या है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस है ना। ये बताना है कि इसमें से किसका डायमेंशन ये होगा। क्या है क्वेश्चन समझ में आया, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशन दिस। ये दिया हुआ है, टॉर्क का डायमेंशन होगा क्या, सरफेस टेंशन का डायमेंशन होगा क्या, विस्कोसिटी का डायमेंशन होगा क्या, स्ट्रेस का डायमेंशन होगा क्या। तो यदि आप देखोगे तो टॉर्क का डायमेंशन आप लिखोगे तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, सिंपल है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू आर, फोर्स और ये क्या है, डिस्टेंस, है ना। तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स एंड इंटू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ आर, आई मीन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। हम ऑप्शन से जाएंगे, है ना, क्या ऑप्शन से देखेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, लेंथ होता है। ये टॉर्क है, सरफेस टेंशन कितना होता है, ये बताया हूं क्लास में, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन क्या होगा, लेंथ, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन मालूम है आपको, एम एल टी माइनस टू अपॉन क्या हो जाएगा, एल। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, एम टी माइनस क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन भी नहीं हो सकता है। अब स्ट्रेस आते हैं, स्ट्रेस आसान है। स्ट्रेस इक्वल टू देखो, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, शायद ये होगा, है ना। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, देखो फोर्स का डायमेंशन अपॉन क्या होगा, एरिया का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, है ना, क्या होगा, एम एल टी माइनस टू अपॉन क्या होगा, एल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। कितना हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहां देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। तो इसलिए वन का जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन क्लास का कराया हुआ है ना, क्लास में ये क्वेश्चन, आई मीन सेमी क्वेश्चन है लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैंने बताया है ना। तो देखो क्वेश्चन सेकंड का जस्ट मैं हिंट्स देता हूं। ये मैंने बताया था कि ओमेगा, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन रूट एल सी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये कितना होता है, टू पाई अपॉन क्या होता है, टी होता है।
बस यहां से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/ क्या होता है, टी होता है, ठीक है। कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू 2π/t या 2πf, ये भी होता है, क्या होता है, 2πf भी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आई थिंक ए होगा। इसको सॉल्व कर लेना, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सब मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चंस। देखो थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है कि द मास एंड वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो हो जाएगा ना, यूनिट ऑफ एलसी पूछा गया है, एलसी का यूनिट क्या होगा, तो टी स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा, कुछ नहीं है इसमें, है ना। मास दिया हुआ है, देखो मास इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 22.42 ग्राम, डेल्टा एम दिया हुआ है, पॉइंट एरर, एरर ही क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरर इन मास, उसी तरह क्या दिया हुआ है, डेल्टा वी जो दिया हुआ है, वी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4.7 सेंटीमीटर क्यूब, और डेल्टा वी जो है वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है यार, कुछ नहीं है इसमें, देखो तो डेंसिटी में आपको क्या करना है, एरर निकालना है, डेंसिटी में क्या करना है, एरर कैलकुलेट करना है, यही है ना, कि मास दिया हुआ है उसमें एरर कितना है वो दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है उसमें एरर कितना है, तो डेंसिटी में एरर कितना होगा ये कैलकुलेट करना, बहुत ही सिंपल है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन क्या लिखेंगे, वी, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखो अब यहाँ परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू क्या होगा, 100। इसको कैलकुलेट करके तुम इसका आंसर लिख लेना, ठीक है। डेल्टा एम मैंने लिख दिया है, डेल्टा एम एम भी दिया है, डेल्टा वी भी दिया है, और 100 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन क्या हो जाएगा, डेंसिटी, दिस इज नथिंग बट द क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो 3 का जब कैलकुलेट करोगे तो 3 का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बी होगा। देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप केवल वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्स, अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, ये भी मैंने बताया, इस टाइप का क्वेश्चन बताया, बहुत सारे क्वेश्चन बताए, जो तुम नोटबुक पढ़ करके गए होगे अच्छे से तो तुम्हारा स्कोर अच्छा होगा। तो देखो, इफ फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या चीज पे, एनर्जी को हमने क्या किया, ई से लिख दिया, ई स्टैंड फॉर एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, देखो तो क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, फोर्स एक्सेलेरेशन एंड, फोर्स एक्सेलेरेशन एंड टाइम, तो हम लिख देंगे फोर्स के पावर एक्स, ठीक है, एक्सेलेरेशन के पावर वाई, और टी के पावर क्या लिख देंगे, जेड। ये एनर्जी है, दिस इज एनर्जी, यही दिया हुआ है। एनर्जी का डायमेंशन कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या होगा, 2। फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, एम एल टी माइनस क्या होगा, एम एल टी माइनस 2 के पावर एक्स। एक्सेलेरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 2 के पावर वाई, और टाइम का डायमेंशन तो तुमको मालूम है। यहां से क्या करना है, इसको सॉल्व करो, एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा, और एक्स वाई जेड का जो वैल्यू मिलेगा तो यहां रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या, ये दोनों तरफ से क्या करना है, पावर को क्या करना है। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, एम m is equal to m l square t minus 2 is equal to क्या होगा, m के पावर x, ठीक है, उधर m है ही नहीं, उसके बाद क्या लिखेंगे, इधर
एल के पावर एक्स क्या होगा प्लस क्या होगा वाई, टी के पावर क्या होगा माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस क्या हो जाएगा जेड। ठीक है, अब क्या करो तुम यहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लो और यहां रखना है, कहां एक्स और वाई का वैल्यू रखोगे एक्स वाई जेड का, तो इससे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर आई मीन फिफ्थ का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर होगा वो क्या होगा दिया हुआ है, फोर्थ का आंसर बी, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, बी का मतलब क्या होगा कि एफ ए टी, अच्छा इसमें कैपिटल ए दिया हुआ है तो यहां कैपिटल ए लिख लेना है ना, तो क्या हो जाएगा एफ ए एफ ए टी स्क्वायर, आई मीन क्या होगा एफ एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा एफ ए टी स्क्वायर, यही आंसर होगा। ठीक है, अभी देखो ये फिफ्थ नंबर भी क्वेश्चन शायद मैंने कराया है, इस देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको क्या करना है यूज करना है ना, तो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्या दिया हुआ है देखो P इज इक्वल टू क्या है, P इज इक्वल टू B माइनस T स्क्वायर अपॉन क्या होगा ए टी है ना, वेयर T क्या है T इक्वल टू टाइम है, P क्या है पावर है, पावर ही दिया हुआ है ना, हाँ T इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है P इज पावर X, X यहाँ दिया हुआ है सॉरी X X स्क्वायर है ना, और नीचे दिया हुआ है T, X क्या है x डिस्टेंस है। ठीक है, x क्या है डिस्टेंस है ना, अब देखो क्या होगा ये यदि पावर है तो ये दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इसकी भी क्या होना चाहिए पावर, ये डिस्टेंस है तो इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर, सही है, अरे सेम नेचर के क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, तो यदि ये क्या है x यदि डिस्टेंस दिया हुआ है डिस्टेंस है तो b का जो डायमेंशन होगा वो x स्क्वायर के डायमेंशन के क्या होगा इक्वल होगा, आई मीन डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा p इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा ए टी, इसका डायमेंशन कितना है एल स्क्वायर है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t का t हो जाएगा कैपिटल t, और पावर का लिखोगे तो कितना हो जाएगा मालूम है, पावर क्या होता है एनर्जी अपॉन क्या होता है टाइम, क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो पावर का जब डायमेंशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा m एल स्क्वायर टी माइनस क्या हो जाएगा थ्री, ठीक है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ टी इंटू डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा ये, तो यहां से हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, देखो ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया एल एल कैंसिल हो जाएगा तो डायमेंशन कितना हो जाएगा एम माइनस वन टी रेस्ट टू, तो यहां से तुमको ए बी का क्या हुआ डायमेंशन मालूम चल जाएगा, तो फिफ्थ का जो ऑप्शन होगा देख लेना है ना, फिफ्थ का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बी होगा। ठीक है, फिफ्थ का जो ऑप्शन होगा किसका डायमेंशन निकालना है ये देख लेते हैं है ना, ए एंड आपको क्या निकालना है डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, तो बी का डायमेंशन एल स्क्वायर और ए किसका होगा एम एल टी, आई मीन बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फिफ्थ का जो बी होगा, ठीक है उसके बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो, सिक्स नंबर क्या है, सिक्स नंबर बताने की जरूरत नहीं है नोटबुक में,
नहीं देखो फिफ्थ नंबर हो गया, सिक्स नंबर सिमिलर है तो सिक्स नंबर का मैं आंसर लिख देता हूँ। सिक्स का आंसर क्या होगा? बी होगा, ये नहीं बता रहा हूँ। सेवन नंबर जो क्वेश्चन होगा ये नोटबुक का क्वेश्चन है ना, कि क्या होगा? देखो देखो सी इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो, ये बता हुआ है। ये क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से तुम बता सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर एट, ये भी एरर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर एट में क्या दिया? लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस, ठीक है। देखो L इक्वल टू क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है। लेंथ इक्वल टू 15.12 प्लस माइनस क्या होगा? 0.01 सेंटीमीटर। देखो ये क्या होगा? ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा L, आई मीन L नट मैं मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? L, और दिस इज क्या हो जाएगा? दिस विल भी क्या होगा? डेल्टा L, ठीक है। अरे यही क्या होगा? डेल्टा L, समझ में आया ना। उसी तरह टी दिया हुआ है तुमको, कितना टी दिया हुआ है? हाँ बी दिया हुआ है, अच्छा लेंथ L दिया हुआ है ना, तो L, ठीक है। ये तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू होगा, है ना, ये एक्चुअल में वैल्यू होगा L नॉट, और ये क्या होगा? डेल्टा L होगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक है, ये डेल्टा एल स्मॉल एल ले लेना है, है ना, और ये एल दिया हुआ है, ये ओरिजिनल वैल्यू मान लेना, ये मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा बी दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है 10.15, है ना, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अगेन ये क्या है? ओरिजिनल वैल्यू, और ये जो प्लस माइनस के बाद जो होता है वो क्या होता है? एरर होता है। ये हम नहीं भी लिखें तो चलेगा, ठीक है। यहाँ L ऐसे ही लिखना था। उसके बाद T दिया हुआ है, T इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 5.28 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम कितना होगा ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, इसमें कुछ नहीं करना है। ये भी बहुत आसान है, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, सिंपल में, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? L B T, यही होगा ना यार। तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा टी अपॉन क्या होगा? टी। देखो ये क्या है? इस डेल्टा एल है, ये डेल्टा बी है, और ये क्या है? डेल्टा टी है। ये एल है, बी है, और क्या है? टी है। तो यहाँ आप वैल्यू रख सकते हो और उसके बाद इसका आंसर लिखोगे तो एट का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। उसके बाद नाइन नंबर भी क्वेश्चन मैंने नाइन नंबर नोटबुक में कराया था, क्वेश्चन नंबर नाइन, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नाइन में जो है उसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ये नोटबुक में मैंने कराया है, ठीक है। अब हम आते हैं कहां? टेन नंबर क्वेश्चन पे, है ना। टेन नंबर भी बहुत आसान है। टेन नंबर बताने का है क्या? क्वेश्चन नंबर टेन में दिया हुआ है कि एम एल, तो क्या दिया हुआ है? एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स इक्वल टू एम के पावर ए, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है एल के पावर बी, और टी के पावर दिया हुआ है एल के पावर बी और टी के पावर माइनस सी। तो क्या करना है? देखो ध्यान से, x डेल्टा x है ना अपॉन x इक्वल टू क्या होगा? a इंटू डेल्टा m अपॉन m प्लस b इंटू डेल्टा b अपॉन b, है ना, सॉरी b प्लस डेल्टा c अपॉन c। मैंने बोला कि हाँ सॉरी डेल्टा गलत लिख दिया, डेल्टा l अपॉन l प्लस c डेल्टा t अपॉन क्या होगा? t। अब दोनों तरफ क्या करो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो m में एरर दिया हुआ है, ठीक है। m में कितना एरर दिया हुआ है?
एल में कितना एरर दिया हुआ है, तो आपको यहां से आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो तो परसेंटेज एरर इन एक्स क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट लिख देता हूं, परसेंटेज एरर एरर इन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस बी इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस सी इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, इंटू 100। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है ना। अब उसके बाद क्या करना है, केवल आपको वैल्यू रख देना है। क्या करना है? वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा और गैमा दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है, देखो ए अल्फा प्लस क्या होगा बी बीटा प्लस सी गैमा परसेंट, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये कौन सा आंसर होगा, 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, है ना। तो आंसर इसका क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब 11th नंबर क्वेश्चन भी बताने की जरूरत नहीं है यार। 11th में क्या दिया हुआ है कि v is equal to क्या दिया है, at plus b upon, है ना, t plus क्या होगा c, ठीक है। अब देखो यहां b क्या दिया हुआ है, b क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ये क्वेश्चन में दिया है, और t क्या है, टाइम है। तो देखो ये टाइम है, ये टी है, तो ये भी क्या होगा, टाइम का डायमेंशन होगा। तो लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टी, ठीक है। यहां से देखो ये वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी होगा और ये भी वेलोसिटी, हम ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी अपॉन टी प्लस क्या हो जाएगा सी। यहां से ए का डायमेंशन मालूम चल जाएगा, ए का डायमेंशन कितना होगा ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो, कितना होगा बता सकते हो आप, देखो तो ए का डायमेंशन यहां से कैसे निकालोगे, वेलोसिटी का डायमेंशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम का डायमेंशन। तो यहां से डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू मिल जाएगा डायमेंशन ऑफ वी अपॉन क्या होगा टी, और डायमेंशन ऑफ वी कितना होगा, एल टी माइनस क्या हो जाएगा वन अपॉन क्या हो जाएगा एल टी माइनस क्या होगा सॉरी टी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एल टी माइनस क्या हो जाएगा टू। अब ए डायमेंशन मालूम चल गया यार, तो डायमेंशन ऑफ बी देखो, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ टी प्लस क्या लिखेंगे सी। तो वी का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, और इसका डायमेंशन भी क्या होगा टी, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से तुमको 11th का जो आंसर आएगा, 11th का आंसर क्या आएगा देख लेना तुम लोग, 11th का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो ऐसे देखो प्रॉब्लम क्या है कि बेसिक्स आपको मालूम होना चाहिए, कि देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे इस टाइप का हमने न्यूमेरिकल मैंने बताया आप लोगों को, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे कितने न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपको केवल क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एरर पे देखो ये सिंपल कि पावर इनटू एरर इन ए प्लस पावर इनटू एरर इन बी प्लस पावर इनटू एरर इन सी एंड सो ऑन, ये बताया था पावर इन एरर जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, खुद से ट्राई करना पहले, खुद से देखो हमेशा क्या करना चाहिए एग्जाम देने के बाद, पहले खुद से ट्राई करना चाहिए कि नहीं, मैंने यदि जितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए होंगे, जितने सम आपके गलत हुए हैं, उसको फिर से ट्राई करो, अपने से एरर ढूंढो कि आपने मिस्टेक क्या किया है। जब आप अपने से मिस्टेक ढूंढने लगोगे तो समझो कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मिस्टेक मालूम होना चाहिए, एरर मालूम होना चाहिए, फिर वर्क करो कि नहीं अगले क्लास से एरर, अगले टेस्ट में एरर हम मिनिमाइज करें, टाइम मैनेज करें, धीरे धीरे क्या होगा सब चीजें अच्छा हो जाता है ना, प्रोवाइडेड कि आप कंटिन्यूस क्या करो उस पर काम करो। ऐसे नहीं है कि हमेशा मिस्टेक किए जा रहे हैं और फिर उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 12 का जो क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। 12 में भी देखो ये बताया हुआ क्वेश्चन है ना, अब पैरेलल एरर वाला है, कितना दिया हुआ है 12, तो 12 क्वेश्चन नंबर ये अच्छा भी है और ये एक क्लास में बताया गया है कि देखो R1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, R1
इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 5.0 प्लस 0.02 ओम. आर टू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 पॉइंट है ना 10.0 प्लस माइनस 0.1 ओम. व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद पॉसिबल एरर परसेंटेज एरर. ठीक है तो देखो ये क्या है दिस इज ट्रू वैल्यू इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज एरर और दिस इज क्या होता है ट्रू वैल्यू. तो यदि मैं आरपी लिख लूं तो आरपी का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है आर वन आर टू अपॉन क्या होगा आर वन प्लस आर टू यही होगा ना. तो यहां जब लिखेंगे तो ट्रू वैल्यू लिखेंगे हमेशा याद रखना ये हम ट्रू लिख रहे हैं. अरे आरपी में क्या होगा यार ट्रू वैल्यू प्लस क्या होगा देखो तो यहां यदि मैं आरपी लिखूं है ना या इसको आर लिख लूं तो ये क्या लिखेंगे आर इज आरपी इज इक्वल टू क्या होगा आर प्लस क्या होगा डेल्टा आर. ये क्या हुआ ट्रू वैल्यू और दिस इज एरर हमेशा याद रखना है. तो ट्रू वैल्यू कितना होगा देखो कितना होगा है ना. अब अपने को ये निकालना है कि ये एरर कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो तो 10 upon 3 होगा. ठीक है बाद में हम देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा ओम आपको मालूम चल गया. अब देखो क्या होता है 1 upon R इज इक्वल टू क्या होगा 1 upon R1 प्लस क्या होगा 1 upon R2. ठीक है ये बताया हुआ है इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस इक्वल टू ठीक है डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन क्या होगा आर टू स्क्वायर. यहां से आपको क्या निकालना है अब परसेंटेज निकालना है समझ में आ रहा था. देखो हम क्या कैलकुलेट करेंगे डेल्टा आर अपॉन आर लिख दें कोई डाउट नहीं है यहां लिख दें डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर इंटू क्या लिखें आर लिख दें. ठीक है कोई डाउट नहीं है. अब देखो डेल्टा आर वन दिया हुआ है ना. अब ये मत समझना कि आर वन लिखना है यार ये आर वन नहीं लिखना है ये लिखना है ये नहीं लिखना है ये लिखना है यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग है ना. इसलिए जब मैं पढ़ा रहा था तो आर जीरो वन लिखा था लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए ये फ्रैक्शन एरर इन क्या हुआ पी. मुझे परसेंटेज इसमें ऐड करने हैं तो फ्रैक्शन इनटू क्या लिखेंगे 100 तो ये क्या लिखेंगे देखो ध्यान से तो ये कितना हो जाएगा अब डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू लिखेंगे देखो डेल्टा आर वन कितना है 0.2 अपॉन कितना लिखेंगे 25 प्लस 0.1 अपॉन 100 इंटू आरपी आरपी कितना मिला है देखो इधर 10 upon 3 इसको सिंप्लीफाई कर लो तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 upon 25 upon क्या हो जाएगा 100. ठीक है या यहां से हमने क्या किया 2 upon 5 है ना हाँ 2 upon 100 सॉरी आर स्क्वायर है ना और यहाँ क्या लिखेंगे 1 upon 100 और इंटू क्या लिखेंगे 10 upon 3 into 10 समझ में आया ना. यहाँ से मैंने डेसिमल हटा दिया यहाँ लिख देते ये 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया. अब परसेंटेज देखो परसेंटेज एरर इन क्या होगा आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन क्या लिखेंगे आर इंटू 100. इसको सिंप्लीफाई कर लेना देखो 2 upon 25 प्लस तो ये कितना हो जाएगा मैं लिख देता हूं देखो 9 upon क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 1 upon 3 into 100 ये कैंसिल हो गया ये कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा. ठीक है तो परसेंटेज एरर इन क्या हो जाएगा यही शायद पूछा गया है. एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है लास्ट में है ना. तो यहां देखोगे
ये गलत कहीं मैंने मिस्टेक कर दिया क्या कैलकुलेट करने वक्त? डेल्टा वन इसका आंसर क्या दिया हुआ है? आई थिंक 12। ठीक है ये देख लेना तुम लोग, है ना? ये कितना होगा, आई मीन हमने 8, 9, 9 है ना और 100 सही तो लिखा है इनटू आर 10/3 वो 10 कैंसिल हो गया। ये नियरली क्या आ रहा है देखो, इसमें शायद आंसर गलत दिया होगा। ठीक है ये कितना इसका आंसर आएगा 3 देखो ये कितना आएगा 3.3 आएगा है ना 3.3। तो ये जब आरपी लिखोगे तो आरपी इक्वल टू क्या लिखोगे 3.3 प्लस माइनस 3%। ठीक है तो हम क्या करते हैं ऐसे, या देख लेना कहीं शायद कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा एक्यूरेट आंसर इसका होगा है ना। उसके बाद दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी बताने का नहीं है, 13 नंबर क्वेश्चंस के लिए तुम नोटबुक पढ़ो है ना, ये बताना जरूरी नहीं है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो तो ओमेगा का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा टी के पावर माइनस वन, ये बताया हुआ है, और डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू क्या होगा एक्स के पावर माइनस वन, आई मीन क्या होगा एल माइनस वन। ठीक है ये बताया हुआ है तो इसको तुम सॉल्व करना ओमेगा अपॉन के, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा, आंसर क्या आएगा 13 है ना, 13 का आंसर जो आएगा वो क्या होगा बी होगा। ये बताना जरूरी नहीं है, ये बताया इस पे कई न्यूमेरिकल्स मैंने करा है। ठीक है ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रेडिएशन प्रेशर है ना, तो देखो 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि P इक्वल टू क्या है, देखो P इज इक्वल टू क्या है रेडिएशन प्रेशर, आई मीन क्या है सिंपल कोई भी प्रेशर प्रेशर होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ P यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रेशर का एम एल माइनस वन टी माइनस क्या लिखेंगे टू। ठीक है उसके बाद दिया हुआ है C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, C का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा एल टी माइनस क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। ठीक है उसके बाद देखो क्यू का जो क्यू क्या दिया हुआ है एनर्जी, बेसिकली इंटेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू क्या है टाइम, तो क्यू का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर टी, अरे यही होगा ना, इसको लिखोगे तो Q का डायमेंशन यहां से हमने लिख लिया कितना होगा M है ना L रेस टू जीरो T माइनस क्या हो जाएगा T माइनस 3, यही होगा ना एनर्जी का, देखो यही डायमेंशन है ML स्क्वायर T माइनस 2, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर T, तो ये आएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब देखो क्या दिया है, आगे नॉन जीरो इंटीजर एक्स वाई जेड सच दैट, देखो क्या दिया हुआ है, ये खुद से सॉल्व कर सकते हो, मैथ्स है दूसरा कुछ नहीं है। देखो क्या दिया हुआ है नॉन जीरो इंटीजर एक्स, क्या निकालना है नॉन जीरो इंटीजर्स एक्स वाई एंड क्या है जेड such that p के पावर x, such that p के पावर x, q के पावर y, ठीक है एंड c के पावर z इज डायमेंशनलेस,
इज डायमेंशनलेस। अब यहाँ एक्स वाई नॉन जीरो रखना है, याद रखना है नॉन जीरो इंटीजर, ऐसे नहीं एक्स वाई और जेड यहाँ रख देते तो डायरेक्टली जीरो नहीं। अब क्या करो तुम, इसका एक पावर लिख दो m क्या है देखो तो हम इसको चलो y मान लेते हैं, है ना, सॉरी इसको r मान लेते हैं, r इक्वल टू दिया है तो r इक्वल टू क्या होगा t के पावर, क्या होगा t के पावर x, है ना, q के पावर क्या हो जाएगा q के पावर y, और z c के पावर क्या लिखेंगे z। तो यदि मैं डायमेंशन लिखू तो डायमेंशन ऑफ r इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ p के पावर x, डायमेंशन ऑफ q के पावर क्या होगा y, डायमेंशन ऑफ c के पावर क्या होगा z। देखो p q और p q c का डायमेंशन लिख दिया हूं, a क्या होना चाहिए r क्या होना चाहिए क्वेश्चन में दिया, a डायमेंशनलेस का मतलब क्या हुआ r डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो इनका r क्या होना चाहिए डायमेंशनलेस होना चाहिए, इसको सॉल्व करोगे तो x y z का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन, समझ में आया। देखो क्या दिया हुआ है कि p क्या है रेडिएशन प्रेशर है, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, और Q क्या है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने P, Q और C का डायमेंशन लिख डाला। अब ये दिया हुआ है कि what should be the value of x, non zero integral value of x, y and z so that P के पावर x, Q के पावर y और C के पावर z must be dimensionless। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया, इधर डायमेंशन लिख दिया, इधर भी डायमेंशन लिख दिया, और फिर डायमेंशन देखो m के पावर में क्या होगा x आ जाएगा, x y z जो भी आएगा, q के पावर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, q के पावर में क्या हो जाएगा अगेन x y z कुछ भी आ सकता है, z के पावर में क्या हो जाएगा, और इधर क्या लिखोगे m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। इधर मैं m का वैल्यू लिख देता हूं, p का देखो तो m l माइनस 1 t माइनस 2 के पावर x, ठीक है, Q का जो वैल्यू है क्या है m l raise to 0 t minus 3 के पावर y, और l t minus क्या है 1 के पावर क्या है z। यहां से x y z का वैल्यू निकालना, नॉन जीरो वैल्यू नहीं, तो देखो जीरो होता तो यही दिख रहा है यार, x y z डायरेक्ट जीरो रख दो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, नॉन जीरो आई मीन जीरो x y z का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ करके और कोई भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना खुद से, मैं हिंट्स दे रहा हूं, ऐसे नहीं है कि पूरा सॉल्यूशन लिख रहा हूं, है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 14 तो 14 का आंसर क्या होगा ये मैं लिख देता हूं, 14 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा डी होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। तुम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना खुद से, और इसका आंसर क्या होगा डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम देन द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस वुड बी, यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा। अब देखो क्या है, तो हम लिख सकते हैं यंग मॉडुलस को हम क्या चीज से लिखते हैं वाई से, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वेलोसिटी के पावर क्या हो जाएगा वेलोसिटी के पावर एक्स, ठीक है, वेलोसिटी के पावर एक्स, फोर्स एक्सेलरेशन के पावर क्या हो जाएगा वाई, और एफ के पावर क्या हो जाएगा जेड, ठीक है। अब देखो ये क्या दिया हुआ यंग मॉडुलस, अब यंग मॉडुलस क्या होता है मैंने बताया था, ये नोट में पढ़ाया था कि यंग मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर के क्या होगा इक्वल होगा, उसके बाद डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस के इक्वल होगा, ये बताया हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका डायमेंशन लिखोगे तो क्या होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, है ना, उसके बाद इसका डायमेंशन लिखो तो एल टी माइनस वन के पावर एक्स, ए क्या एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस टू के पावर क्या होगा वाई, और
एक है एम एल टी माइनस टू के पावर क्या हो जाएगा छ। अगेन आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेना है और वो यहाँ रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड एक्स वाई जेड, द वैल्यू क्या है, फाइंड एक्स वाई एंड जेड एंड पुट इन क्या होगा इक्वेशन वन, वी गेट आंसर। तो 15 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो मैं हिंट्स दे रहा हूँ, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि तुमको भी तो कुछ सॉल्व करना चाहिए। जो भी क्लास अच्छे से लेक्चर देखा होगा उसका स्कोर अच्छा होगा, है ना। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी मैं क्लास में बताया, तो 16 नंबर क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि ये लेक्चर में ऑलरेडी मैंने बताया, पीएस क्लास जब ले रहा था तो ये बताया था आप लोगों को, है ना। तो 16 का डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या है, सी होगा। 17 भी क्वेश्चन बताया हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 तो ये डिस्कस करने वाला नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर मैं बता देता हूँ, सी होगा। ठीक है, अब 18 क्वेश्चन नंबर 18 ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ना, तो बता देता हूं। देखो क्यू नहीं है जी सी क्या दिया हुआ है, जी जी के बारे में आपको मालूम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एंड एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ये सबका डायमेंशन मैंने बताया है, बताया क्या, तो टाइम को आपको एक्सप्रेस करना है। तो देखो यहां भी टाइम की लिख सकते हैं टी, एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी के पावर एक्स, सी के पावर क्या होगा वाई, और क्या होगा एच के पावर क्या होगा जी। ठीक है, अब जी का डायमेंशन कैसे लिखोगे, एच का डायमेंशन ये सब बताया था, जी का डायमेंशन क्या होगा ये यहां से आप आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लोगों को मालूम है, तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्लैंक कांस्टेंट पढ़े हो, सी जानते ही हो, तो ये तुमसे सॉल्व होना चाहिए। तो देखो जी इक्वल टू क्या होगा, देखो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम वन एम टू अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ जी जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा आर स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे मास स्क्वायर, क्योंकि एम क्या है मास है, बताया था, आर क्या है डिस्टेंस है। तो यहां से देखो डायमेंशन ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, एम एल टी माइनस टू इंटू क्या होगा एल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एम के पावर माइनस वन, है ना, एल क्यूब टी रेस टू क्या होगा माइनस टू। तो जी का आपको डायमेंशन मालूम चल गया। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मालूम है, देखो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, अरे देखो लैम्डा डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी जानते हो यार। ठीक है, ये तो जानते हो ना तुम लोग, लैम्डा क्या है, ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, और ये क्या होता है लीनियर मोमेंटम। तो यहां से मोमेंटम, तो एच का जो डायमेंशन लिखोगे तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लैम्डा आई मीन एल इंटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा वन, आई मीन इसका डायमेंशन मिल गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट देखो इधर क्या होगा, इधर लिखोगे एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे एम रेस टू माइनस वन एल क्यूब टी रेस टू माइनस टू के पावर एक्स, अगेन एल टी माइनस टू एल टी माइनस वन के पावर वाई, एंड एच का पावर क्या लिखोगे एम एल स्क्वायर टी माइनस वन के पावर क्या होगा जेड। यहां से अगेन एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर लेना, तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इस पे कितने न्यूमेरिकल आया है,
ठीक है, इस यहां से फाइंड एक्स वाई द वैल्यू ऑफ क्या होगा एक्स वाई जेड, क्या होगा फाइंड फाइंड द क्या होगा फाइंड एक्स वाई जेड एंड पुट इन, क्या होगा पुट इन इक्वेशन वन, ठीक है। तो इससे क्या होगा 18 का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा बी होगा, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखें, नंबर में क्या है वो देखते हैं। नाइनटीन नंबर भी क्या है, डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड है और ये भी आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी, अरे एनर्जी किसी भी टाइप का हो। क्वेश्चन नंबर 90, यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यू इज इक्वल टू ए इंटू क्या है एक्स के पावर 1/2 अपॉन, ठीक है ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी है ना। वेयर यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स क्या है, एक्स क्या है डिस्टेंस है। तो देखो तो बी का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा यार, और एनर्जी का डायमेंशन लिख करके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कर दो तो यहां से ए का भी डायमेंशन मालूम चल जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा एल के पावर 1/2 और ये क्या हो जाएगा तुमको एल स्क्वायर। तो पहले तो यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं भी क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्या है बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यू, तो यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ सिंपल एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। उसके बाद देखो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ बी, आई मीन क्या होगा डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर। अब देखो ये क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए इंटू एक्स क्या है डायमेंशन ऑफ एल के पावर 1/2 अपॉन डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा एम एल टी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर अपॉन क्या होगा एल के पावर 1/2। ये कितना हो जाएगा, देखते हैं इसके आगे वाला समझ क्या है, परसेंटेज एरर इन एफ, ये भी देखो जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है अभी कि मिरर फार्मूला तुम लोग जानते हो है ना, मिरर फार्मूला क्या होता है 1/v प्लस क्या होगा 1/u इज इक्वल टू क्या होगा 1/f। तो यहाँ भी लिख सकते हैं देखो डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर प्लस डेल्टा u अपॉन क्या होगा u स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा f अपॉन f स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा u अपॉन सॉरी डेल्टा डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर प्लस डेल्टा u अपॉन u स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे f, ठीक है इंटू डेल्टा f अपॉन क्या होगा f। यहाँ से f कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ वैल्यू रख सकते हो, ये जस्ट पैरेलल इक्वेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस की तरह एक क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ आप क्या करोगे वैल्यू रख देना, अब देखो डेल्टा u दिया हुआ है, डेल्टा u तुमको दिया हुआ है कितना 0.2 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है डेल्टा v इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, और v इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या होगा v इज दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ से f निकाल लो और फिर यहाँ वैल्यू रख दोगे तो तुमको आंसर आ जाएगा, ठीक है समझ में आया। ये कौन सा है, हमने कोई अलग क्वेश्चन बता दिया क्या, ओ सॉरी ये देखो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 25 है,
मैंने क्वेश्चन नंबर 25 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर क्या है 25 है। तो देखो यहाँ क्या करना है, एफ कैसे आएगा, एफ यहाँ से आएगा, ठीक है, एफ यहाँ से आएगा, है ना। यहाँ से क्या करोगे आप, एफ का वैल्यू रख देना, है ना, और फिर आंसर आ जाएगा। तो एफ, सॉरी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस दिया हुआ है ना, तो वी माइनस यू कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। तो यहाँ वी और यू का सब देखना, यहाँ जब भी यहाँ माइनस साइन नहीं लेना है, यहाँ जस्ट ये फॉर्मूला मैंने बताया कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे एफ, तो यहाँ क्या करना, आप वैल्यू रख देना और फिर आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आप समझ लो, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया नहीं था आपको, है ना, कि लेंस का फोकल लेंथ क्या है, ठीक है। तो नाइनटीन हो गया, देखो ट्वेंटी नंबर भी बहुत आसान है। ट्वेंटी नंबर में क्या है, देखो यहाँ केवल क्या करना, वैल्यू रख देना, यहाँ से एफ मालूम चल जाएगा और एफ मालूम चल जाएगा, डेल्टा वी ये सब लिख दिया हूँ, केवल यहाँ अब 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तभी आपको आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, 20 बहुत आसान है, 20 बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 20 एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 20 में कि आंसर क्या होगा, ये लिख देता हूँ, ये आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, आई थिंक 3% आएगा, 3% है ना, 25 का आंसर क्या है, 3% है, ठीक है। तो उसके बाद 21 में देखो क्या है, 12 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टॉलरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एक्यूरेसी, ये सब सेम चीज है, इज इक्वल टू क्या होगा, एरर, ये ध्यान देना है, है ना। अब उसमें भी क्या है, ये बहुत आसान है, देखो यहां क्या है कि पहले क्या करो, देखो टॉलरेंस आई मीन डेल्टा आर वन क्या दिया हुआ है, डेल्टा आर वन मैं लिख देता हूं, डेल्टा आर वन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 अपॉन क्या दिया हुआ है, 100, है ना, क्या दिया हुआ है, नहीं डेल्टा आर वन नहीं दिया है, गलत बोल रहा हूं मैं, डेल्टा आर वन देखो यहां जैसे लिखोगे आर एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर वन प्लस आर टू, यही लिखोगे ना तुम, तो यहां लिखोगे डेल्टा आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू, ठीक है, यही लिखोगे ना तुम, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है ना। तो देखो टॉलरेंस आई मीन आर वन में एरर कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, तो आर वन में एरर कितना लिखेंगे, परसेंटेज एरर, डेल्टा आर वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू क्या होगा, 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 100, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0.1, तो डेल्टा आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा, अरे बता सकते हो ना तुम लोग, डेल्टा आर वन अपॉन आर वन 10 अपॉन क्या होगा, 100, और डेल्टा आर वन अपॉन डेल्टा आर वन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अरे 0.1 इंटू आर वन, और आर वन कितना दिया हुआ है, आई थिंक आर वन देखो यहाँ आर वन इक्वल टू दिया हुआ है, आर वन इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 किलो ओम, और आर टू इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 किलो ओम, टॉलरेंस दिया हुआ है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 0.6 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा आर टू जब कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, देखो डेल्टा आर टू कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, डेल्टा अगेन सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली डेल्टा आर टू इज इक्वल टू क्या होगा, 0.1 इंटू क्या होगा, आर टू आई मीन कितना हो जाएगा, आई मीन 1 है ना, 10 दिया हुआ है ना, तो 10 किलो ओम दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा,
वन किलो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, है ना। अब देखो डेल्टा आर एस क्या निकालना है इसमें, ये कैलकुलेट क्या करना है, टॉलरेंस 21% में दिया हुआ है ना, 10% है ना, तो अनदर नहीं, यहाँ हमने गलत लिख दिया, ये फोर किलो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.4, कितना हो जाएगा 0.4 किलो। ठीक है, तो डेल्टा आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 किलो ओम प्लस क्या हो जाएगा 0.6 किलो ओम, कितना हो जाएगा 1 किलो ओम, यही होगा ना डेल्टा आर एस। ठीक है, अब फ्रैक्शन निकालेंगे, डेल्टा आर एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब परसेंटेज लिखेंगे, डेल्टा आर एस परसेंटेज टॉलरेंस इन क्या होगा आर एस इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा आर एस अपॉन आर एस इंटू 100, और ये वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें बस ये क्या है, टॉलरेंस हुआ, एक्यूरेसी हुआ, एरर हुआ, सभी क्या है सेम चीज होता है। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है आई थिंक 22। देखो 22 क्या है, स्क्रू गेज से रिलेटेड है, तो सबसे पहले स्क्रू गेज में सबसे पहले दो चीज़ें हैं, क्या क्या कि पीच क्या होता है और लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो देखो लिस्ट पीच क्या होगा, पीच इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था कि क्या होगा डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू, डिस्टेंस मूव्ड बाय क्या होगा स्क्रू ऑन मेन स्केल when सर्कुलर कैप, याद करो सर्कुलर कैप टेक वन रिवोल्यूशन, ये जरूरी है। पीच जैसे ही इसको हमने कैची से डिनोट किया था पी, तो पी इज इक्वल टू देखो यहाँ दिया हुआ है कि टू फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज कवर ए डिस्टेंस ऑफ इतना, टू फुल टर्न है ना, टू फुल टर्न का मतलब क्या हुआ दो रिवोल्यूशन में, तो एक रिवोल्यूशन में कितना 1/2 कितना 0.5 मिलीमीटर क्या होगा ए टर्न होगा। ठीक है, अरे टू फुल टर्न्स में, टर्न का मतलब क्या हुआ रिवोल्यूशन में, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 मिलीमीटर, तो एक टर्न में 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस मूव करेगा यही क्या होगा पिच हो जाएगा। अब लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है पिच अपॉन क्या होगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन क्या होगा सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन है, तो कितना दिया हुआ है 50 डिवीजन दिया हुआ है आई थिंक, कितना तो देखो तो 0.5 अपॉन 50 कैंसिल हो जाएगा 0.0 है ना, कितना हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, ये लिस्ट काउंट हो गया। अब तो यार आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग लिख सकते हैं, तो रीडिंग कितना होता है, रीडिंग कितना होगा, रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू एक्स लिखा था इंटू क्या होता है लिस्ट काउंट, n क्या होता है रीडिंग ऑन क्या होगा मेन स्केल, तो मेन स्केल पे कितना रीडिंग है, देखो 3 मिलीमीटर प्लस क्या होगा 0.01। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 मिलीमीटर,
प्लस क्या हो जाएगा 0.35 कितना हो जाएगा 3.35 मिलीमीटर। लेकिन ये रीडिंग करेक्ट नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, इसमें एरर क्या है कि जीरो, अब क्या होगा, सर्कुलर स्केल क्या है, मेन स्केल से क्या है, रेफरेंस लाइन से क्या है, ऊपर है, तो एरर क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव एरर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रीडिंग ऑब्जर्व रीडिंग है, ऑब्जर्व रीडिंग आर ओ इज इक्वल टू क्या मिला, 3.35 मीटर। अब एक्चुअल रीडिंग लिखेंगे है ना, या ट्रू रीडिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर नॉट प्लस निगेटिव जीरो एरर करेक्शन प्लस निगेटिव जीरो एरर करेक्शन। और निगेटिव जीरो एरर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो ध्यान से, कितना दिया हुआ है, प्लस 0.3 mm दिया हुआ है ना, तो प्लस क्या लिखेंगे, निगेटिव जीरो एरर करेक्शन, ये लिखते हैं ना, तो ये कितना होगा, 3.35 प्लस कितना हो जाएगा 0.03 ये कितना हो जाएगा 3.38, यही क्या होगा, ट्रू रीडिंग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3.38। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 में भी क्या है, 23 टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी इक्वल टू क्या होगा, 2 pi अंडर रूट क्या होगा, एल बाई जी। इसमें तुमको कुछ नहीं करना था, एल बाई जी दिया हुआ, तो देखो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 pi स्क्वायर एल अपॉन क्या होगा, जी। तो जी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 pi एल अपॉन क्या होगा, टी स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। यहाँ याद रखना है टी क्या है, टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना है। तो टोटल टाइम क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो है ना, कि डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 इंटू क्या होगा, डेल्टा स्मॉल टी अपॉन टी। स्मॉल टी क्या होगा, यही रहने दो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, 2 इंटू क्या होगा, डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या हुआ, जी एल और क्या है, टी। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है, एल दिया हुआ है ना, 1 millimeter एक्यूरेसी, डेल्टा एल क्या है, एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि उतने मिनिमम लेंथ को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा, 1 millimeter है ना। उसके बाद दिया हुआ है 1 second रिजोल्यूशन। यहां देखो एक चीज याद रखना, एक्यूरेसी हुआ, रिजोल्यूशन हुआ, टॉलरेंस हुआ, सबका मतलब क्या हुआ, एरर। तो डेल्टा टी जो है वो क्या दिया हुआ है, 1 second दिया हुआ है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब यहां टोटल टाइम हम कैलकुलेट कर लें, देखो टोटल टाइम टी इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, या तो 100 इनटू क्या लिखेंगे, 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, 50, ये टी हो गया। ठीक है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, जी का वैल्यू, जी हाँ, फ्रैक्शन एरर इन क्या निकालना है, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी। तो यहां से आप लिख सकते हो यार, है ना, एक्यूरेसी कितना होगा, वो वही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या होगा, 1 millimeter, 1 millimeter का मतलब क्या होगा, 0.1 centimeter, यही होगा ना। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना। तो 0.1 centimeter अपॉन क्या होगा, 10 centimeter, क्योंकि L दिया हुआ है, क्वेश्चन देखना, L दिया हुआ है कितना, 10 centimeter है ना। प्लस क्या हो जाएगा, 2 into 1 अपॉन कितना दिया है, डेल्टा टी 1 दिया हुआ है ना, 1 अपॉन 50,
तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं देखो यहाँ इसका आंसर क्या चीज़ में दिया है, ठीक है 25%, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज ही निकालना है। तो डेल्टा डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 1/100 प्लस ये कितना होगा 1/25, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 100 by 25, आई मीन कितना हो जाएगा 5%। तो ये रिजोल्यूशन कितना आएगा या एक्यूरेसी कितना आएगा, है ना, ये कितना आएगा 5% आएगा, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान देना है, ये तो मैंने बताया था एरर निकालने वक्त, यहाँ ध्यान देना है केवल यहाँ क्या होगा, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है एरर, सिंपल याद रखना, ये लिख लेना रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन इक्वल टू एक्यूरेसी इक्वल टू क्या होगा टॉलरेंस इज इक्वल टू क्या होगा एरर, ये सब क्या है सेम नाम है, निक नेम कॉलिंग नेम है ना, कुछ कुछ है पेट नेम, सब नेम इसमें है, ये ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और रिमेनिंग है, वो देखो उसे वो तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, वो पैरेलल रेजिस्टेंस वाला है, कौन सा 24 भी मैं नहीं बता रहा हूँ, 24 टाइप का क्वेश्चन मैंने नोटबुक में कराया है, तो आप 24 नंबर क्वेश्चंस देख लेना खुद से, ठीक है। क्या करना, खुद से आप 24 नंबर क्वेश्चंस देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये घर पे ट्राई कर लेना, ये बताया हूँ क्वेश्चन नंबर 24 कितना होगा 4%, आंसर जो है उसका क्या है 4%। और नहीं आएगा तो मैं व्हाट्सअप, जिनको प्रॉब्लम होगा वो मुझे बोलेंगे, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है, ये आप सॉल्व कर लेना, पैरेलल रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही है ना, नेक्स्ट क्लास आई थिंक मंडे से हम क्या पढ़ेंगे, मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन, देखो मैंने केवल हिंट्स दिया है, आपको फिर भी यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हो, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चंस, ओके, थैंक यू, बाय। एम है ना, एल रेज टू क्या हो जाएगा 4 - 1/2, टी माइनस क्या होगा 2, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा एम एल के पावर 7/2 t^-1 कुछ -2 ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो 19 का जो आंसर आएगा ये क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा क्या होगा b होगा, ठीक है। अब इसके बाद